हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा की फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो ये हो रहा है 11 बज रहा है। हम लोग सब मार्केट गए थे, मैं मम्मी आके मतलब भाभी और दीदी बाबू सब लोग गए थे, सिर्फ परी को घर पे छोड़ दिए थे। परी अपने मामू के पास थी और यहाँ इतना धूप था ना कि परी विष्णु ना बाबू ने मेरा दुपट्टा अपने सर पे ले लिया था। कितना धूप लग रहा था कि पूछो मत। आजकल मतलब घर से निकलने का टाइम ही पता नहीं चलता है कितना बजे घर से निकलूं। तो यहाँ मैं लोग सब जा रहे हैं और यहाँ हम मैं ना बर्तन लेने के लिए जा रही थी, बर्तन मुझे लेना था। तो घर आके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या कौन कौन से बर्तन लिया है। मुझे मतलब जो जो जरूरी था वो सब बर्तन लेना, मतलब सोची थी कि वो सब बर्तन ले लूंगी। तो वही सब लेने के लिए हम लोग मार्केट चले और वहाँ मतलब मम्मी लोग सब बर्तन लाई थी, तो वो बहुत अच्छे अच्छे बर्तन था, हम लोग को बहुत पसंद आया। तो वही मैं सोची वहीं पर से जाके लूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लिया। और घर आके यहाँ पे ना चावल हम मैंने फूलने के लिए डाला था, मम्मी ने चावल और उड़ीद का दाल डाला था फूलने के लिए। यहाँ पे बनाना था इडली, इडली बनने के लिए ये फूलने के लिए डाला था। और फिर इसको पीस उस के अब मैं ये देख सकता अच्छे से, मतलब ना फूल चुका था पूरा, मतलब फूल के ऊपर तक आ गया था चावल और उड़ीद का दाल। और उसके बाद मैं इसे अब पीसूंगी, पीस उस के रेडी करके रखूंगी। तब तक मम्मी ना मार्केट में ही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे पीसने के लिए मतलब आ गया। यहाँ पे बाबू बनमाशी कर रहा था और इधर परी को देख सकते हैं, परी वहाँ बैठ के क्या कर रही थी, चावल बार बार निकाल रही थी। और ये भाभी ना मतलब काम करने के लिए आती हैं घर पे, तो मतलब अभी कुछ काम नहीं था। तो मैं बोली पगड़ी को आप पकड़िए, हम मतलब सारा ना जार से पीसते, क्योंकि मिक्सी ना किसी मतलब दूसरा कोई कोई भी चलाता है ना तो ख़राब हो जाता है मेरे घर पर, तो इसलिए मतलब मिक्सी जल्दी ही मतलब हम ही लोग चलाते हैं। और मतलब डर भी रहता है कि थोड़ा सा भी मतलब दूसरे टाइप से मिक्सी मतलब डायरेक्ट है ना, उसका स्विच जो होता है ना वो ख़राब हो चुका है, उसको बनवाना है, इसी की वजह से किसी को चलाने के लिए नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको पीस के आ रही थी, पीसने के लिए ले गई थी। और यहाँ पे परी देख सकते हो सारा चावल जो है ना नीचे कर करके गिरा दी थी और उड़ीद का दाल वहीं पे रखा हुआ था नीचे ना, भाभी ने बोरा दे दिया था जिसे हम लोग पैर उर पोछते हैं कि मतलब उसी पे गिरेगा तो उसको बाहर ले जाके झाड़ दूंगी। तो यहाँ मैंने मतलब जल्दी जल्दी मैंने पीस उसके यहाँ पे कम्प्लीट करके रखा था मम्मी के आने से पहले। मैं मार्केट सूट पहन के आज गई थी क्योंकि परी को नहीं लेके जाना था ना, इसी की वजह से मैंने सूट पहना था। नहीं तो परी को लेके जाती हूँ तो साड़ी वेयर करती हूँ, लेकिन आज सूट मैंने पहना था। तब सोची अब रात को ही खोलूँगी, ऐसे मुझे मतलब अब सूट में रहना कंफर्टेबल लगने लगा है। पहले मैं नहीं रह पाती थी लेकिन अब ना अब उतना भी मुश्किल नहीं लगता है। पहले मैं तुरंत आते थे कपड़ा चेंज करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गया है क्योंकि मतलब नाइट सूट यहाँ पे भी मेरा है नहीं, गया में है। और फिर मतलब अब लूँगी वहाँ, ससुराल भी मुझे कुछ दिन में जाना है, एक दो दिन में, एक दो दिन में नहीं 4-5 दिन में जाना है ससुराल। मेरे पापा आएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से गया जाएंगे, और गया से फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ हम लोग चलेंगे सहरसा। तो उसके बाद वहाँ पर जाके मैं नाइट सूट लूँगी क्योंकि मुझे ना नाइट सूट की बहुत ज़रूरत है। बहुत मतलब नाइटी पहनने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, घर में सब लोग रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का लगता है। नाइट सूट रहता है तो मतलब अच्छा रहता है पहनने में भी, मुझे नाइट सूट पहनने का आदत भी है। मैं शुरू पहले भी ना शादी से पहले भी नाइट सूट बहुत पहनती थी, ज़्यादातर घर में मैं नाइट सूट ही यूज़ करती थी। और नाइटी तो आज तक मैंने पहना ही नहीं है शादी के पहले, कभी नहीं। बहुत कम लड़की लोग होती है कि शादी से पहले नाइट सूट पहनती, लेकिन मतलब मैं शादी से पहले नाइटी पहनती है। अब मैं भी नहीं पहनती थी, मुझे भी नहीं पसंद था, मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि नाइटी पहनूंगी, क्योंकि मतलब होता है ना मतलब कि नाइटी है अच्छा नहीं लगता कि मम्मी लोग पहनती है, मम्मी लोग मतलब कैसे पहन लेती है ऐसा लगता है। शादी से पहले सब मतलब अलग अलग सोच रहता है अलग अलग, और शादी होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादातर मतलब 1.5 साल 2 साल तक नाइटी नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं था नाइटी पहनना, वो भी गुस्सा करते थे पहनते थे, तो इसलिए मैं नाइटी नहीं पहनती थी। और ज़्यादातर मतलब नीचे लूज़र और टी शर्ट ही पहनती थी। बहुत दिन तक मैं यही सब पहनी हूँ। उसके बाद ना जब परी होने वाली थी, उसके जब परी होने वाली थी ना, तो उसके बाद मैं नाइटी पहनना शुरू की थी।
ऐसे कर करके मैं ना सारा चावल और उड़द का दाल दोनों पीस के एक ही में मिक्स करके और उसके बाद रख दूंगी। तो मुझे पता नहीं था कि एक ही में करके रखना था, मैं अलग अलग कर दी थी, कहीं मम्मी आएगी तो फिर गुस्सा ना करने लगेगी एक ही में मिला दी तो फिर अलग करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं अलग कटोरी में रखी थी उड़द का दाल और पीस के अलग अलग में रखा था चावल, और दोनों मैंने झाप के रख दिया था कि थोड़ा सा ना खट्टापन होता है ना इसमें, थोड़ा सा फटफट हो जाता है ना, तभी इसका ना मतलब डोसा या तो इडली अच्छा लगता है, ऐसे मतलब खट्टापन हो जाता है तभी बनता है, थोड़ा सा फटफट आ जाता है और ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता, ऐसे खिलता नहीं है अच्छे तरीके से ना, तो इसे मैंने पीस किया उसका, इसको ढक उक के छोड़ दूंगा। यहाँ मैंने चावल वावल जो गिरा था उसको साफ कर ली थी, पोछ ली थी, क्योंकि मुझे तो गंदा थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ गिरता है तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि काम कंप्लीट करके उसे मैं क्लीन कर दूँ। तो यहाँ मैंने पोछ, यहाँ पर मैं उसको ले जाके ढक देती हूँ रूम में, और उसके बाद फिर मैं उसको छोड़ दूंगी, रात में बनेगा, मम्मी उम्मी आएगी तो, मम्मी अभी मार्केट में ही रह गई थी, मम्मी नहीं आई थी और हम लोग आ गए थे क्योंकि परी को अकेले छोड़ के गए थे ना गाइस, इसीलिए। और उसके बाद मैं बर्तन सब खाली उली कर दूंगी, तो बर्तन यहाँ पे खाली उली कर रही हूँ, कुकर खाली कर दूंगी, कुकर में से दाल सब निकाल दूंगी और चावल तभी बहुत सारा बचा हुआ था, मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, चावल खाली करूँ या ना करूँ, वही चावल बहुत बचा हुआ था। तो उसके बाद मैं सोची छोड़ दो चावल को, छोड़ देती हूँ चावल तो ये थोड़ा सा तुरंत में धोआ जाएगा कभी भी खाली करूंगी तो, मेन है कुकर, कुकर ना कुकर उसको खाली कर लेती हूँ, और बर्तन एक ही बार मैं लेके बैठती हूँ धोने के लिए, बार बार नहीं लेके बैठती हूँ क्योंकि बार बार धोना मुझे पसंद नहीं है, कितना मतलब मम्मी होती है, मेरी मम्मी होती है कि थोड़ा थोड़ा बर्तन ले जाके धो के फिर लाती, धो के फिर लाती, ऐसे तो मैं गुस्सा भी होते रहती कि एक ही बार रख दो हम ही धो लेंगे, एक ही बार जमा करके रखो, बार 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 बैठने उठने बैठने उठने में दिक्कत हो जाता है, ये नहीं ना है कि वॉशिंग है कि उसमें तुरंत टाक टाक धो लिए, यहाँ पे एक बार लेके बैठना पड़ता है, तो इसी की वजह से मैं बोलती हूँ मम्मी को, लेकिन मम्मी नहीं मानती, मम्मी को थोड़ा सा भी बर्तन रहता तो वो ना पता नहीं मम्मी को अजीब लगने लगता है, मम्मी तुरंत तुरंत उसको साफ उफ करके रख लेती है, थोड़ा सा गंदा भी होता तुरंत में झाड़ू सारू सब कर लेती है मम्मी, मतलब बहुत मतलब काम उसको ना मेरे मतलब मैं मेरा आदत कुछ कुछ ना मम्मी पे ही गया है, सब लोग बोलते हैं कि मम्मी का ही आदत पूजा में है, तो मतलब मुझे भी रहता है कि हो जाए काम पूरा मतलब कंप्लीट उसके बाद शांति से बैठूंगी, क्योंकि ना काम नहीं हुआ रहता है तो मन में मतलब एक रहता है कि करना है करना है करना है, इसी की वजह से मैं सोचती हूँ काम कंप्लीट करके बैठूंगी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मतलब कर लिया, मतलब खाली साली सब हो गया, और उसके बाद मैंने झाड़ू ऊपर लगा दिया था क्योंकि चावल थोड़ा सा गिरा हुआ था नीचे ना, नीचे भी थोड़ा सा कचरा हो गया था, तो मैंने नीचे पूरा झाड़ू लगाई थी, बोरा वोरा उठा उठा के पूरा गंदा पूरा निकल गया था नीचे से भी, तो मैं यहाँ बरेंडा, ये बरेंडा ही है गाइस, मतलब इसके अंदर ना किचन है, वहाँ नहीं खाना वाना बनता है, यहाँ पे मम्मी आ चुकी थी तो मम्मी यहाँ पे इडली की तैयारी कर ली थी, अब पर यहाँ देख सकते हो करछुल लेके खड़ा थी, और यहाँ सब में ना तेल लगाया कि सबसे पहले मम्मी गर्म पानी जो होने के लिए चढ़ा दी थी, और उसके बाद इसमें तेल लगा लेगी, तेल लगा के और उसके बाद उसमें बैटर को डालेगी, तो और उसके बाद इसमें तेल सब में मम्मी एक एक करके लगा रही है सारा में, सब मतलब 4 पीस 5 पीस सब में है, एक में 5 पीस है, 2 में 4 पीस है, तो मम्मी सब में तेल उल सब लगा ले रही है, उसका भी सब में तेल उल सब लग गया है, अब मम्मी इसमें डालेगी छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके सब में डाला जाएगा, उसके बाद ना गर्म पानी भी खोल चुका है पूरा अच्छे तरीके से, तो मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले वो वाला नीचे वाला, सबसे पहले छोटा वाला नीचे डलाएगा उसके बाद उसके ऊपर डलाएगा, यहाँ पे इसमें बैटर सब डाल दे रही है मम्मी थोड़ा सा करके, पहले ना ज्यादा ज्यादा करके डाल रही थी फिर कम कम करके डालने लगी थी सब में, तो ये सबसे पहले चार मतलब 4 पीस वाला है तो ये सबसे नीचे डलाएगा, और उसके बाद ना एक और 4 पीस वाला है वो उसके बाद डलाएगा, और 5 पीस वाला सबसे ऊपर डलाएगा, पानी खोल जाता है ना तब डालते, पानी ज्यादा नहीं डालना चाहिए इसमें पूरा, मतलब पानी ऊपर तक आ जाता है इसी की वजह से पानी कम ही डाला जाता है, सिर्फ मतलब नाम मात्र पानी रहता है थोड़ा बहुत। Thank you.
पे चटनी बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे चना दाल और ना मूंगफली मतलब बादाम, चना दाल और बादाम की चटनी बनी थी और उसमें मैंने डाला था, देख सकते, देखना आप लोग के क्या क्या डालते हैं। लहसुन और मतलब सूखा मिर्च को भूंज के मैंने फ्राई करके डाला। ये छौंका लगाया था ना सरसों तेल में ना, सिर्फ मैंने सरसों मतलब डाल के छौंका लगाया था, क्योंकि ना मतलब ना तो मतलब ज़्यादा तीता घर में लोग खाते हैं, और इसमें जो डाला जाता है ना पत्ता, क्या मतलब कड़ी पत्ता, वो था भी नहीं, मिला भी नहीं, मतलब बाहर नहीं पड़ा हुआ था। बहुत पहले एक बार बनाई थी तो उस टाइम फरा हुआ था। यहाँ पे सब मैंने भून के निकाल लिया था, और इसका ना बोकला छुड़ा के इसको मसाला मतलब इसको सारा पीस लूंगी। जल गया था उसमें मतलब, तो उसे मैं ना मतलब निकाल रही थी इसमें बैठ के, क्योंकि ना काला काला हो जाता, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसे चुन चुन के निकाल रही थी। और लहसुन भी मैंने भूंज लिया था और मिर्ची भी मैंने भूंज के निकाला था, क्योंकि ना भूंजा हुआ मिर्ची और लहसुन अच्छा लगता है, सुन सुन लगता है खाने में, उसका टेस्ट अलग लगता है। तो यहाँ मैंने सब मतलब जो काला मतलब हो गया था थोड़ा सा मतलब हो गया था लाल, तो मैंने उसे चुन चुन के निकाल लिया। और उसके बाद उसे मैं फ्राई मतलब उसके बाद इस मिक्सी जार में डाल दूंगी, इसका बुकला जो होता है ऊपर वाला, उसे छुड़ा के, छुड़ाने के बाद देख सकते हैं इसका चटनी। इसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूँ एकदम, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, चावल डाल के और अच्छा लगता है। मतलब अभी ना मतलब इसमें सारा चीज मैंने डाल लिया, उसका नींबू डाल दी, नींबू का रस, उसका इसको उसमें पानी डाल के पीस लूँ। मैंने बहुत अच्छा लग रहा था, उतना ही अच्छा खाने में भी लग रहा था। और उसके बाद मतलब इधर इडली बन के हो गया था तैयार। इडली को मम्मी निकाल, तो इडली सारा इडली को ना मम्मी एक एक करके ना चम्मच से मतलब, वहाँ वो ज्यादा ही गर्म हो गया था क्योंकि लास्ट बार था ना, अब नहीं बनेगा। अब पता नहीं कुछ मम्मी छोड़ दी थी कि अगले दिन बनेगा, वो अच्छे तरीके से खट्टा नहीं हुआ था, तो मम्मी सोचे आधा कल बनेगा, तो इसलिए मम्मी ने छोड़ दिया था। और यहाँ देख सकते हो मम्मी फिर उतार के नीचे रखी, और उसके बाद ना उसके बाद उसे मतलब एक एक करके निकाली, और उसका उसे निकालने की मतलब चम्मच से या तक चाकू से ही अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि तेल डाला हुआ रहता है ना, तो तुरंत अच्छे से निकल जाता है चाकू से या तक चम्मच से। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
तो सब निकाल दीजिए। उसका सारा बर्तन मैंने निकाल लिया था खाली करके, उसका सारा बर्तन धुलाएगा। धुलाने के बाद, धुलने के बाद उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इडली बन के कैसा चटनी उसका, इडली देखने में कैसा लग रहा था, अच्छा बना था। लेकिन ना अगले दिन और खिला खिला बनेगा, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा ही मतलब खट्टा सा फट पता जाएगा ना, तो खट मतलब अच्छा लगेगा, तो अच्छा फूला फूला बनेगा। लेकिन अभी इतना फूला फूला नहीं बना था, ये सारा बर्तन बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था, ये सारा बर्तन मैंने जल्दी जल्दी करके धो लिया था। और उसके बाद सबसे बर्तन सारे बर्तन लोग को सरिया लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन धोने के बाद मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि पानी पानी चिपचिप हो जाता है ना, परी इधर से इधर घूमती है, मुझे डर लगता रहता है कि परी कहीं इसमें मतलब पैर स्लिप ना कर जाए, मतलब बच्चे लोग का कोई ध्यान नहीं रहता ना, कोई पता नहीं रहता। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बाबू से और इधर बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद मैं इसे पूरा क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो मैं बन के हो चुका था रेडी, ये देख सकते हो देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है, पूरा खिले खिला अच्छा बना था। लेकिन अगले दिन जो बनेगा तो वो और अच्छा बनेगा, क्योंकि वो मतलब जैसे फार के बीच में डाल के खाया था ना वैसा हो जाएगा, ऐसा अभी नहीं हुआ था। तो यहाँ देख सकते हो मैं इसमें कट करके बीच से डाली थी और उसके बाद इसे खाई थी, चटनी भी बहुत टेस्टी बना था, तीता बना था। तो गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो देखना पसंद हो ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना है कैसा आप लोग को मेरी वीडियो लगती है, और उसके बाद ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। और मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसे ब्लॉग वीडियो रोज रोज लेके आऊँगी।